एडम्स लाया पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉलिनरी रियलिटी शो एडम्स शेफ। पाकिस्तान के चार बड़े शहरों में 400 से ज्यादा ऑडिशंस के बाद हमने चुने 16 बेस्ट कॉलिनरी स्टूडेंट्स जो अपने जायके का जादू दिखाने आए कराची, जहां उनको जज करेंगे इंडस्ट्री के लीडिंग सेलिब्रिटी शेफ, शेफ वर्दा, शेफ जलाल और शेफ गुलजार। और एडम्स शेफ के इस सफर का आगाज हमने किया कराची से। ये है कराची, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब। यहाँ पे लोग जिंदगी के जायकों की तलाश में आते हैं। क्या हमें मिलेगा यहाँ कराची से एडम्स शेफ, देखना ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ ऑडिशन के लिए आए तो मैंने देखा कि एक लंबी कतार है, कम से कम 40-50-60 लोग हैं और वो सब खड़े हुए हैं और हम सब वेट कर रहे हैं अपने अपनी बारी आने का, अपने नंबर लेने का। और मैं इवन के 12th नंबर पे थी, मेरा इतना दूर भी नहीं था। वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं गया था, लेकिन ज़ाहिर है मुझसे सीनियर्स थे, सब बड़े भी थे, तो मैं उनको देख के ज़रा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था। ऑल राइट पार्टिसिपेंट्स, सो आप लोग तैयार हैं एडम्स शेफ बनने के लिए? आपको पता है खाना पकाना इतना आसान नहीं है। कुकिंग एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है। ये आपकी सोच को जायके की सूरत में ढाल के खाने की सूरत में हमारे सामने आएगी और फिर हम तीन डिसाइड करेंगे कि क्या आप में है वो दम, या आप में है वो बात जो ले जा सकती है आपको एडम्स शेफ के फाइनल्स में। राइट शेफ? तो जी, जिस तरह से वर्धन ने आप लोगों को बताया कि आज हम एडम्स के 8 शेफ्स की तलाश में, तो आज आप लोगों ने एडम्स के प्रोडक्ट को यूज करते हुए रेसिपी डेवलप करनी है और उसको हम टेस्ट करेंगे और आप लोगों को फीडबैक देंगे कि आप में से वो कौन खुशनसीब आर्ट है जो हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आप में से सेलेक्ट ना हो प्लीज डीमोटिवेट नहीं होइएगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और मेहनत करते रहिएगा, कभी ना कभी आपका नंबर भी लग जाए। ओके, तो आप सब तैयार हैं? हम संभाल रहे हैं अपनी जजेस सीट और आप जाके लाइए अपनी प्लेट्स, देन वी विल डिसाइड। सी यू इन 5 मिनट्स। क्या बनाया सबीना आपने? ये मैंने इंचलाडास बनाए हैं, इसकी जो रोटी टॉर्टिलास जो होते हैं हम बाजार से लेके करते हैं, पर मैंने खुद ही मेड किया सारा सब। और एडम्स के कौन से प्रोडक्ट्स आपने? एडम्स का बटर यूज किया मैंने और चेडर और मोज़रेला। आई फील लाइक रूह में थोड़ी सी कसर है, कच्चापन एक हल्का सा फील हो रहा है मुंह में, एक जो उसका कच्चापन हल्का सा एक आता है वो है। थैंक्स सबीना, अब जा सकती हैं, वी विल डिसाइड। जिवेरिया फैसल, क्या बनाया आप? चिकन चीज स्लाइडर्स। आप कंपटीशन के लिए आए? यस। क्या सोच के बनाया आपने? मैंने पहले भी बनाया है 2-3 बार, तो घर में पसंद किया गया इस वजह से। तो आपने क्या सोचा कि कंपटीशन के लिए जा रही हूँ और मैं मतलब आपने फ्रेंड्स चिकन यूज किया। और ये सॉस कौन सी यूज की है आपने? पेरी पेरी। खुद बनाई है? रेडीमेड ली है। आपने खुद बनाया क्या है? इट्स टेस्टलेस एंड आई एम सॉरी, नो मास्क फॉर दिस। आपने क्या बनाया नवीद? शेफ बटर बोर्ड है विद बेकड ब्रेड। कम अगेन? बटर? बटर बोर्ड। बटर बोर्ड। ब्रेड थोड़ी सी हार्ड है। ब्रेड आपने खुद बनाई है? नहीं नहीं, रेडीमेड है। राइट, ओवन बेक किया और पैन फ्राइड किया? पैन फ्राइड किया, तभी जो है ना इसमें से वो बर्न गार्लिक फ्लेवर है हल्का सा, क्योंकि एजेस जो है आपके ब्रेड के वो जल गए। कीप ऑन ट्राइंग, थैंक यू शेफ, डोंट लूज होप, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक वक्त ऐसा था कि मेरे फादर मेरी मदर दोनों जॉब करते थे, तो घर में ज्यादातर अपनी सिस्टर्स को मैं उठ के सुबह नाश्ता देना, तो काफी अच्छा लगता था। क्या बनाया आपने? चिकन आला कीप। चिकन आला कीप। और इसकी बेस पे क्या आपने सॉस रखी है? क्या ये है? मैश पोटैटो। स्टफिंग के अंदर मेन की एलिमेंट क्या आपका? इस स्टफिंग के अंदर बटर है एडम्स का, ठीक है, उसके अंदर गार्लिक चॉप गार्लिक एंड कोरिएंडर कोरिएंडर यूज करा है। मुझे लग रहा था कि मेरी डिश को इस तरीके से रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि शेफ काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे शुरू के 4 बच्चों पे ही, उन्होंने सब चारों को रिजेक्ट कर दिया था और मुझे बहुत डर टेंशन हो गई थी। बट आपकी डिश
Overall, good job. The taste is really very good. Thank you. I'm loving it. Thank you. I'm enjoying it. And from my side, it's perfect. Thank you so much. So from my side, it's a yes. Thank you so much. So अगर तीनों की तरफ से yes है, तो आप आके अपना card लेके जाना पसंद करेंगे? Thank you so much. All right. शेफ वर्धा ने मुझे एक अंदर से सिलेक्टेड का पेपर निकाला और मुझे बोला कि आप सिलेक्टेड हैं, तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ. शेफ ने बोला आप खुश क्यों नहीं है, तो मैंने उनको यही बोला कि शेफ मैं किसी बता नहीं पा रहा कि मैं कितना खुश हूँ. अंदर है जो है ये देख के कुछ लग रहा है कि मुँह में पानी पानी आ रहा है. क्या बनाया है फातिमा? चॉकलेट मूस. चॉकलेट मूस. और इसमें आपने एडम से क्या प्रोडक्ट यूज़ किए? बटर. और आपने नीचे बेस दी है? जी कुकीज की बेस है. कुकीज की बेस है या ब्राउनी? ऊपर मूज है और ऊपर पाइप. क्या बात है, क्या बात है. आई एम नॉट अ स्वीट टूथ पर्सन दो, बट देख के दिल चाह रहा है खाने का. ये जो सेंटर में गनाश है? जी गनाश नहीं, मूज है. ऊपर गनाश है और व्हिपिंग क्रीम है. ऊपर गनाश है ना. गुड जॉब. थैंक यू. मेरे एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि मैं क्या बताऊं आपको. फ्रॉम माय साइड इट्स परफेक्ट. थैंक यू. परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट. आई थिंक इट्स अ यस. इट्स अ यस. शेफ आपका? यस. शेफ अपने हाथ से ही फिर आप आलू पाटी. यो भाई, यो वेरी गुड. कांग्रेचुलेशंस फातिमा, लेकिन अब अगली बार मजीद मेहनत करनी है. मैं इस फील्ड में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे शदीद खाना खाने का और खाना बनाने का शौक है, और दूसरों को खिलाने का भी. रूफिया चिकन को सर्दी लग रही थी. जस्ट आस्किंग, आपने इसको इतने प्यार से चीज का ब्लैंकेट उड़ाया हुआ है. इसमें चीज डालनी थी ना एडम्स की, और हमारे यहाँ इसमें डलती भी है चीज. आपने बनाया क्या है ये? ये मैंने बनाए हैं चिकन चीज स्ट्रोगनोफ विद गार्लिक बटर राइस. स्ट्रोगनोफ. और ये साथ में क्या बनाया? ये चीज सॉस है, इसी के ऊपर पोर करके खानी. जब मैंने प्लेट रखी और मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा था कि ना शेफ बोलेंगे चिकन लेके आ गई है, बस मसाला लगा के घरेलू खाना चावलों के ऊपर रख के क्या होगा. इतना ज़्यादा ना हार्ट बीट तेज़ होती जा रही थी. फिर शेफ ने जब मुझसे पूछा कि इसका नाम क्या है, तो मैंने कहा चिकन चीज़ स्ट्रोगनोफ विद गार्लिक बटर राइस. तो शेफ बहुत इंप्रेस हो गए मेरे नाम से. स्ट्रोगनोफ मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ यार. स्ट्रोगनोफ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मीट एंड स्ट्यू. Okay. Yeah? तो ये स्लो कुक हुआ है. हाँ. मसालों के साथ, और मतलब बेसिकली आपने ब्रेजिंग की, ब्रेजिंग मेथड पे इसको कुक किया है ना? बिल्कुल. तो आपने इसको पैन किया है और बेक किया है? मैंने कढ़ाई में स्टीम किया. यस, स्टीम किया है. नो ऑयल, जस्ट लाइट से बटर. क्या बात है, क्या बात है. लेट्स टेस्ट इट. अच्छा, इसके साथ ये सॉस पोर करके ट्राई करना है चिकन पे. चिकन पे. यस. लेट्स टेस्ट इट शेफ. चिकन फैब्रिकेशन तो अच्छी नजर आ रही है. गुड जॉब. देयर इज समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक. ये मेरे घर में सिर्फ मैं ही बनाती हूँ, मतलब आज तक कभी किसी ने ट्राई नहीं किया. तो ऑब्वियसली मैं देख के परेशान हो गया. स्ट्रोगनोफ पैसा बना हमने नहीं ट्राई किया. हाँ. तो आपके घर तो बहुत ही अलग सी बात है. तो फिर शेफ ने सबसे पहले तो शेफ वर्धा ने राइस टेस्ट किए, और उन्होंने जस्ट राइस टेस्ट करते ही वाओ. मैंने कहा सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत थी इस वाओ की. रुकिए, क्योंकि आपके हाथ में जायका है, आपके खाने में जायका है. दो से रेली यूनिक रेसिपी, बट मैं चाहूंगी कि आगे आप हमें और मजीद ऐसी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी. बिल्कुल, इंशाल्लाह. फ्रॉम माय साइड इट्स अ यस. यस यस. थैंक यू सो मच. नो शेफ, अपने हाथ से आप दे दें. थैंक यू. गुड. मैं तो बस खुशी से फूले नहीं समा रही थी. ड्यू टू अ वेरी फैट किड, टेक एट माय यंग एज, तो खाना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. रेडियो पे जाके यूं देख रहा होता था कि भाई क्या लग रहा है. ठीक है, जब अंडा पकता था तो ऐसे फूल क्यों रहा है. बहुत फैसिनेट करता था मुझे. आई थिंक इट्स रिव्यूली. एम आई राइट और रॉन्ग? बताएं जरा क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया. ओके, सो द डिश आई हैव क्रिएटेड इज थ्री चीज रेवियोली, और इसके अंदर जो है मैंने रिकॉटा यूज किया है फ्रेश मिल्क से बना के. आपने खुद बनाया रिकॉटा? मैंने खुद बनाया. वो हैवी
क्रीम के साथ इसको फिर लेमन के कर्ड्स बना देते हैं एंड फिर उसको मिक्सअप कर लेते हैं, वो रिकॉर्डा बन जाता है। घर से मैं डिश ही ऐसी प्रिपेयर करके लेके आया था, रेवियोली जो क्वाइट यूनिक है और इतना लोग नहीं बनाते। तो जब हुआ प्रिपरेशन टाइम मिली तो उसमें मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया, जिसमें मैंने प्लेटिंग में थोड़ा सा मैसअप कर दिया, बस ऐसे डाल दिया कि भाई जो होता है देखा जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था, ओनली 5 मिनट्स थे हमारे पास प्रिपरेशन टाइम का। I like the sauce. यार अहमद, टेस्ट बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल गुड। आपने जस्ट रिव्यूली रखी, सॉस डाला और फायर। आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है। शेफ ने जितनी भी कमियां थी वो सारी बता दी हैं आपको कि आपकी प्रेजेंटेशन जीरो, आपको बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो जब मैं जजेस के सामने प्रेजेंट की डिश, तो उन्होंने सबसे पहले ही, शेफ़ जलाल ने कहा कि भाई रेटिंग बहुत बुरी है, ठीक है। शेफ़ वर्दा ने भी कहा कि ज़ीरो है, तो बहुत घबरा गया था। मैंने बोला लो हो गया काम, बट जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था मैं जायका देखूँगी एंड आई लाइक द जायका, तो मेरी तरफ से इट्स अ यस। गुड जॉब अहमद, आ जाओ जल्दी से। I was quite excited and I was quite happy कि जो है हो गया, ऐसे जैसे बच गया हूँ मैं। जब जजेस के पास आया तब भी मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई हो जाएगा, जो मैं सिनेरियो देख रहा था। सलमान क्या बनाया? पेवलोवास। पेवलोवा। पेवलोवा। कैसे बनाया? एग वाइट्स, शुगर, कॉर्नफ्लोर, डिहाइड्रेट किया, विच आई थिंक सो सॉगी हो गया होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया। बट अपर जब वर्धन ने स्पून लगाया ना, मेरे दिल पे ऐसे लग रहा है जैसे छुरियां चल गई ना, मतलब मेरे भी दिल पे चल गई थी बहुत देर से भैया बैठे, मतलब मेहनत से। अच्छा, इनसाइड इज एडम्स का योगर्ट एंड बटर फॉर द कुकी। बटर फॉर द कुकी। रियली क्रिएटिव। गुड जॉब सलमान। थैंक यू। बट इसमें जो पेवलोवा की जब बात आती है, क्रंच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑटोमेटिकली मोरिंग का क्रस्ट जो है ना वो हिट करता है। आई एग्री। तो वो मोरिंग की एक चीज मिस है इसके अंदर, बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन, टेस्ट, फ्लेवर जो हैं और क्रस्ट, गुड जॉब, वेरी गुड। थैंक यू। बेटर लक नेक्स्ट टाइम माय डियर। कमेंट कोई नहीं किया था और उन्होंने सिर्फ इतना मुझे बोल दिया था कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो जब उन्होंने ये बोला और कोई कमेंट नहीं किया, मैंने बोला शायद बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो गया, उनको पसंद नहीं आई। क्या बनाया है फहीम? एक्चुअली आई हैव मेड टिरामिसु चीज केक। यस शेफ। जो आपने नाम दिया ना टिरामिसु चीज केक, जी ये चीज केक तो है मगर टिरामिसु नहीं है। ओके, समझ रहे हैं? जी जी। जब आप टिरामिसु का बात करते हैं ना, तो टिरामिसु के फ्लेवर्स जो है ना ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आते हैं ये चीज और कॉफी जो है ना हिट करेगी। मैंने थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए थोड़ा लाइट नहीं रखा। बैलेंस आपका बहुत नीचे चला गया। हाँ, बहुत नीचे है। तो वो इसमें कॉफी है ही नहीं। ओके, कि ये नहीं कि इनकी गलती नहीं, इनकी गलती ये है कि इन्होंने नाम गलत दिया। फहीम, वी हैव लॉट ऑफ मोर कंटेस्टेंट्स। हम नो प्रॉब्लम के पहले क्या है, ताकि हम और कहाँ नहीं चाहते कि वो सीट चली जाए, बिकॉज़ बहुत ही लिमिटेड कार्ड्स हैं हमारे पास। सो वी विल सी इन देन। नो प्रॉब्लम। थैंक यू एमा। ओह माय गॉड, वाओ। हेलोवीन। ओके, हेलोवीन। देखिए मुझे इसमें कुछ वैम्पायर्स याद आए। मजीदा जी, हेलोवीन मनाए जी? चला और नहीं, दिल चारा कट कर देगा। ओह माय गॉड, हार्ड वो फॉन्डेंट है, वर्म्स भी बेचारे टूट गए उसकी वजह से। यार अच्छा, आपका सिर्फ फॉन्डेंट का काम अच्छा है, बाकी केक तो आपका बड़ा बेसिक सा है। इसमें आप इनोवेशन लेकर आते कुछ जो के आपको पॉप अप करता, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मजीदा, थैंक यू सो मच। पर मुझे इस फील्ड में आने का शौक इसलिए हुआ क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक है कि मैं अपने हाथ से लोगों को खाना बनाऊं और खिलाऊं। ओह, क्या बनाया? राव घनी डीकंस्ट्रक्टेड योगर्ट बनोफी पाए। अच्छा,
क्या बात है यार, क्या बात है। नहीं, I like this too. Deconstructed banoffee pie. Yogurt banoffee pie. Yogurt banoffee pie. क्या बात है? What? Yogurt banoffee pie. यार ये तो hero. Ladies first. इसको सीरियसली मुझे दिल नहीं चाहता कि मैं बाइट लूं। इट्स रियली लुक्स ब्यूटीफुल। जब मैं जजेस के बाद में डिश लेके आया तो वो देख के इतने खुश हो गए कि बोलने लगे कि हम इसको खाने दिल नहीं जा रहा, इतनी प्यारी लग रही है ये। और वहीं से मुझे एक अंदर से एक्साइटमेंट हो गई, चलो यार मैंने पहला मरला तो पार कर लिया है। वेरी गुड। इट्स कॉल्ड समथिंग क्रिएटिविटी। डन करो। क्या नाम है? कैन आई सी समथिंग? या इसमें जो बिस्किट्स के क्रम्स हैं वो भी मैंने खुद बनाए, और जो कैरमल की वो नेस्ट वो खुद बनाए, और जो कैरमल सॉस है वो भी खुद बनाए। क्या बात है। के क्रम्स कैसे खुद बनाए? बिस्किट घर में बना के उनको कुचल लिया तो क्रम्स बन गए। बिस्किट के क्रम्स आप जो कह रहे हैं घर में खुद बनाए हैं, वो आपने कुकीज खुद बेक किए? मैंने ओवन पे नहीं, मैं चूल्हे पे बेक करी है। क्या बात है यार। ओवन था नहीं सर। क्या बात है। क्या नाम है? Rao. Rao. This is something really unique. Thank you, ma'am. Different, delicious, balanced flavor, balanced meetha. Mere liye perfect. Thank you so much. Aaja hero, aaja. Thank you. Ye tha wo jiska main kab se wait kar rahi thi ki koi to aaye. Thank you so much. Please le jao, bhai. Le jao. Manna main sara kha jaungi and I'm full. Amazing. बहुत जबरदस्त। मैंने टेस्ट किया और टेस्ट मुझे पसंद आया बहुत ज्यादा, और उन्होंने मुझे सिलेक्शन का टिकट दे दिया। मैं अगर तुमने भी कुछ ऐसे ही बनाया तो तुम चले, या अच्छा है कॉन्फिडेंट हो तो आ जाओ। ये देखो ये हाल है भाई, कोई अच्छे भेज दे। मुझे तो सारे ऐसे लग रहे हैं कि सारे बच्चे आ गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे नहीं लग रहा कि हमें कराची से हमारा एडम्स शेफ मिलेगा। मैं इस फील्ड में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का बचपन से बहुत शौक था। बाय बचपन आई मीन व्हेन आई वाज 5 to 6 इयर्स ओल्ड। सो आई स्टार्टेड विद मेकिंग कुकीज, एंड मैं कभी भी जो है स्टार प्लस वगैरह नहीं देखती थी। मैं हमेशा से जो है वो फूड चैनल्स देख के बड़ी हुई हूँ। रमशा, क्या बनाया रमशा आपने? मैंने बनाया है टस्कन चिकन बट विद अ ट्विस्ट, और उसके साथ फ्राइड पोटैटो विद ग्रेवी। फ्राइड पोटैटो विद ग्रेवी? ग्रेवी किस चीज की? ग्रेवी जो ब्राउन सॉस की ग्रेवी होती है। आई मेड इट विद कौन सा वो जो ब्राउन सॉस होता है? मैंने मिन्स से बनाया है, बीफ मिन्स एंड बोन्स, और उसमें मैंने जो है थाइम का फ्लेवर दिया है। थाइम का फ्लेवर दिया। तो जो आपने रोलाट जो बनाया है उसके अंदर स्टफिंग में क्या है? बेकन है जी। उसके अंदर मैंने बीफ पाई यूज किया है, और मैंने उसके साथ जो है बेल पेपर और मशरूम्स यूज किए, और थोड़ी सी चीज। अरे मैं कहूंगा कि क्रिस्प नहीं है तो आप बोलेंगे 8 घंटे हो गए। हाँ, नहीं लेकिन नहीं, शेफ बिल्कुल जो चीज है वो आप बिल्कुल बोल सकते। ये पहली रेसिपी है सीरियसली, मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। सीरियसली सीरियसली थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त हमारे फ्लेवर्स। ये पहली रेसिपी है जो हम ऐसे हैं जो लग रहा है कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। गुड जॉब। अमेजिंग रमशा। बुला लो। बुला लो। भाग के आ जाओ। आ जाओ भाई। जबरदस्त। एक्साइटेड? रो रही हो? कसम से। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि जो है आपके जो हेड शेफ होते हैं, जो सर आप काम कर रहे होते हैं, वो आप उनको जो है वो खुश कर सके अपने काम से। तो इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग एट दैट टाइम। नो इम्प्रेसिव, आई मीन देयर इज समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। मुझे अच्छा लग रहा है। क्या बनाया है सुभान? स्विस पोलो चिकन। स्विस पोलो चिकन पोटैटो बॉल बनाया है। डीप फ्राइड पोटैटोस। राइट, ओके। डीप फ्राइड पोटैटो बॉल।
mashed potatoes with cheese or just mashed potatoes? Just a mashed potato. The chicken is soft. Sauce kaun si hai? कौन सी स्पाइसी स्पाइसी चीजी सॉस क्या बात है बट अगेन एक डिफरेंट टेस्ट है और कुछ नया था मुझे अच्छा लगा फ्यूजन अच्छा कॉम्बिनेशन था आ जाओ ये लीजिए यस फ्रॉम आवर साइड कांग्रेचुलेशंस थैंक यू इतनी टेस्टिंग के बाद वाकई ये कड़क चाय लाजमी बनती थी दिमाग चलना शुरू हो गया ऑलराइट एवरीवन तो आप लोगों ने देखा कि कराची के डे वन के जो पार्टिसिपेंट्स थे जो कंटेस्टेंट थे वो आज एक राउंड ख़त्म हो चुका है अब कल मजीद कंपटीशन होगा डे टू वाले दिन और उस दिन जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनकी किस्मत जाग जाएगी वो बच्चे कौन होंगे क्या होंगे ये तो आपको पता चलेगा थोड़ी देर में लेकिन हम तीनों के पास एक सरप्राइज है वो सरप्राइज क्या है सरप्राइज ही रहने देते हैं बताते हैं आपको सी यू देन जब तक आप भी जाके चाय पिए हम भी चाय एंजॉय करते हैं चेस सो वेलकम एवरीवन वेलकम टू द एडम्स शेफ हंट डे टू सबसे पहले वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ द 8 कंटेस्टेंट जो कल फाइनलाइज हुए और यहां आज डे टू तक पहुंचे राइट शेफ जी लेकिन एक थोड़ा सा मिसहैप हुआ है यहाँ पे कहते हैं ना कि सिर्फ जायका नहीं चलता किस्मत भी बहुत ज्यादा चलती है एक सिलेक्शन जो कल हमने की थी अनफॉर्चुनेटली उनके साथ घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से वो आज हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकी शेफ तो अब यहाँ पे चला है कमाल किस्मत का उनको रिप्लेस कर लिया है बटर बॉय ने और बटर बॉय का नाम मैं चाहूंगी कि जलाल अनाउंस बटर बॉय का नाम है नवीद अस्करी नवीद अस्करी वेलकम अस्सलाम वालेकुम नवीद वेलकम ऑन बोर्ड ऑलराइट जी तो अब पूरे हो गए हैं हमारे 8 कंटेस्टेंट लेकिन बारी यहां पे सिर्फ खत्म नहीं हुई है अब आपको दिया जाएगा एक टास्क बहुत ही मुश्किल टास्क और उसमें हमें चाहिए एक परफेक्ट डिश वरना गेम फिनिश रेसिपी की कंसिस्टेंसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ठीक है और टेस्ट ये चीजें मैटर करती हैं और लास्ट में जो है वो प्रेजेंटेशन जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी ठीक है तो इन सारी चीजों को आप करेंगे परफेक्टली डन और उसमें से जो भी होगा विनर फिर वो बाद में देखते हैं बाकी शेफ एक्चुअल इनका इम्तिहान ही यही है कि आप कितना मिनिमलिस्टिक रह के कितनी अच्छी डिश प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा उस टाइम स्लॉट के अंदर रहते हुए आपने वो रेसिपी तैयार करनी है जरा सी चूक हुई और आपकी रेसिपी लेकिन यहाँ पे आप सबके लिए है एक सरप्राइज जलाल और निजाम आप दोनों भूल रहे हैं शायद कि हमने एक सरप्राइज प्लान किया था कल और वो सरप्राइज है हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री यस प्लीज कॉल देम सलमान खत्री सलमान खत्री द पेवलोवा गाय वेलकम ऑन बोर्ड प्लीज काउंटर संभालिए अर्ली मॉर्निंग एडम से मेरे पास कॉल आती है कि आपको जजेस बुला रहे हैं प्लीज़ कम टू आवर स्टूडियो फिर जब मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा कि यहाँ तो ऑडिशन का दूसरा राउंड चल रहा है और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हुआ उस टाइम के भाई ये है क्या मुझे क्यों बुला रहे हैं फिर उन्होंने मुझे वाइल्ड कार्ड एंटर करवाया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ओके एंड नेक्स्ट फरहीन फरहीन वेलकम ऑन बोर्ड फरहीन सो पहले थे 8 दो और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो गई टोटल हो गए 10 और मुकाबला हो गया है बहुत सख्त क्योंकि हमें चाहिए कुछ यूनिकनेस कुछ क्रिएटिव और बाकी जो रेसिपी आपने बनानी है जो टास्क है आपका वो जलाल एक्सप्लेन करेंगे आप बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है बट इजी का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को इग्नोर करेंगे ठीक है तो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को आपने बरकरार रखते हुए इस रेसिपी को डन करना है चिकन शॉट्स हैं आपके पास ठीक है और चीज़ सॉस के अंदर आप यूज़ करेंगे एडम्स की चीज़ आप कब कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं चीज़ सॉस बनाते हुए ये हम नोट करेंगे और उसके ऊपर आपका रिमार्क जो आपके मार्क्स हैं वो बेस कर रहे हो अगर हम यहाँ पे एडम्स चेडर चीज़ की बात कर रहे हैं तो एडम्स से ज़्यादा हमें पता है कि चेडर चीज़ या एडम की कोई भी प्रोडक्ट चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है चीज़ में
सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। और एडम की जो चेडर चीज़ है वो अपने एक मुनफरद जायके की वजह से, टेक्सचर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत पसंद करते हैं। और जब आप चीज़ सॉस बनाते हैं तो इट गिव्स यू अ वेरी स्मूथ टेक्सचर। तो स्टार्ट करें। निज़ाम, टाइम लिमिट कितनी है इनके पास? 20 मिनट्स। ओनली 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स में आपको सब कुछ करना है। सो आर यू रेडी? गो फॉर इट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको इस ये डीप कौन सा है ज़्यादा दोनों में चाहिए? टेंशन थी कि इतना लिमिटेड सामान है उसमें कैसे बनेगा, लेकिन इसी का नाम कंपटीशन है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बन सकता है, किस्सा बन सकता है, और उस पर काम किया। राव, कल तो तुमने योगर्ट का कुछ बनाया था, नहीं? और वो चीनी की गार्निश थी, है? क्या बनाया था तुमने? वाह वाह, आज क्या बना रही? सेम चिकन। खाइए। क्या मैरिनेशन में यूज़ किया? मैरिनेशन में मैंने इस्तेमाल किया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। और बाकी उसे क्या अलग होगा तुम्हारा रेसिपी? टेस्ट और प्रेजेंटेशन। नमक तो खूब यूज़ कर रहे हैं सर। जायका हाथ में होता है सर। जायका हाथ में होता है, गुड जॉब। यार एक तो ऑयल नहीं हो रहा, टाइम कम है। तो आप प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज कर रहे हो? Surprise. देखते हैं। All right, participants, you have 10 minutes left. अब तक आप लोगों को plating पे चले जाना चाहिए था, मगर मैं देख रही हूँ कि थोड़े स्लो चल रहे हैं आप लोग। तो इस वक्त चंद लोग जो हैं वो हाइजीन को फॉलो नहीं कर रहे और अनऑर्गेनाइज हैं, जिसकी वजह से ये टाइम बेसिकली डिले हो रहा है। Alright, participants, time's up. मैं countdown देने लगी हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Hands up, step back, stop. कोई हाथ नहीं लगाए किसी चीज को, step back. कोई भी अब plates को हाथ नहीं लगाएगा counter पे। दिल थाम लीजिए कि अब जो कुछ भी आपने पिछले 20 मिनट में किया है उसका रिजल्ट आने वाला है। सो पुट योर फिंगर क्रॉस एंड होप फॉर द बेस्ट। ऑलराइट, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए। आइए। नर्वसनेस? सुभान, ये प्रेजेंटेशन आपने जो ये मिंट लीव्स रखे हैं, बिल्कुल कोरिएंडर या मिंट लीव्स? मिंट, अच्छा कोरिएंडर और मिंट दोनों हैं। और कच्ची आपने ये आई थिंक पेपरिका यूज़ किया है, लाल मिर्च, स्प्रिंकल रेड चिली पाउडर। और आपने ये सॉस खुद से दिया है या वो बह गया है इस तरह? ये दिया है मैंने। क्या बात, क्या बात। सी ट्राई। लेडीज फर्स्ट? नहीं, जरूरी नहीं आज। जो फ्लार है आपका वो डोई हो गया है, क्रस्ट जो है ना वो डोई हो गया। शायद आपने 2-3 बार कोट किया है। दो बार किया। सही है कि जब आप फ्राइड चिकन की बात करते हैं या क्रस्ट की बात करते हैं तो वो क्रस्टी होना चाहिए बजाय इसके कि वो चुई और हार्ड हो। बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। चीज़ सॉस भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। आप आ जाओ सर। Next. अहमद? Yes, sir. Right? अच्छा जी।
हार्ड बहुत ज्यादा है लेकिन फेस इज देयर. अच्छा जब आप बना रहे थे तो मुझे लगा कि शायद आप नहीं कर पाओगे, बट आपने किया और चिकन इज रियली टेंडर. नहीं, फॉर मी चिकन इज रियली गुड. सॉफ्ट है, टेंडर्ड है, जूसी है, ऊपर का क्रिस्प जो है परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है. लेकिन आपने चीज़ सॉस भी आपका सही लगा, मुझे टेस्ट आ रहा है चीज़ का, बट बहुत ज़्यादा आपका जो है कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड. तो लेट्स सी. ठीक, आप खड़े हैं सर. नेक्स्ट आ गए हमारे बटर बॉय. बटर बॉय, ये कलर क्यों इतना अच्छा नहीं आया इसका? ठंडे तेल में डाल दिया था. क्रिस्प की आवाज तो मजेदार है, पर मैदा बहुत ज्यादा. चीज़ में कौन है ही नहीं, भूल गए सीजनिंग करना. और सिर्फ क्रिस्प अच्छा है, बाकी कुछ भी अच्छा. क्रिस्प भी वो है, मुझे लगा ठंडे तेल में डाला है इन्होंने. क्रिस्प भी नहीं, बहुत मैदा आ रहा है फील. थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है. अच्छा बहुत हो सकता था, बट खैर देखते हैं. गुड जॉब आयुब. वालेकुम सलाम. फहीम. फहीम, फहीम द वन जो कल चीज केक जो है जी. आपकी चीज को आपने ट्रीट सही तरह से नहीं किया, इसकी वजह से इसमें से हल्की सॉस में बिटरनेस आ गई है. बट आपने प्ले बहुत अच्छा किया चिकन के साथ, क्योंकि जो जिस तरह से आप लोगों को फैसिलिटेट किया गया था और जितनी चीजों के साथ किया गया था उस हिसाब से बहुत जबरदस्त. गुड जॉब, आप इस तरफ आ जाओ. चलें जी, नेक्स्ट. फर्स्ट योगर्ट बॉय राव. क्रिस पैनी राव, स्टार्ट करें क्या? राव ये क्या तुमने चिली ऑयल बनाया? यस, बटर के साथ चिली को मैंने थोड़ा सा सॉटे किया और डाला. एडम्स के बटर के साथ आपने चिली को तो सॉटे किया और फिर लास्ट में डाला ताकि व्हाइट के साथ वो मैच कर जाए कलर. अच्छा, कलर्स का प्ले किया या टेस्ट का प्ले किया? दोनों का सर. दोनों का. तो टेस्ट कैसा फील आएगा, मतलब थोड़ा सा बताएं सर. ना ज़्यादा स्पाइसी होगा ना ज़्यादा ब्लैंड होगा, आप हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी सर. स्टार्ट करें शेफ. कंसिस्टेंसी मुझे देखनी थी इसकी. उनके बाइट्स बहुत. चीज सॉस जो है अगेन चिकन के क्रस्ट पे काम हो सकता था. चीज सॉस के साथ आपने बहुत अच्छा प्ले किया. गुड जॉब. आई थिंक पांचों में सबसे बेस्ट चीज सॉस था. एग्जैक्टली अब तक का. एग्री, वेरी गुड. इधर आ जाएं आप. थैंक यू. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या हुआ तेरा वादा? आप तो कह रहे थे सरप्राइज. ये सरप्राइज है. ये सरप्राइज वाकई सरप्राइज है. ये वाकई सरप्राइज है. ओवरकुक्ड राइट चीज सॉस तो पूरा फ्रीज हो गया मुझे लग रहा है. लुक फातिमा. आई एम राइट फातिमा ना? यस. आ जाओ इस तरफ आ जाओ. नेक्स्ट. रूफिया. यस. चीज सॉस कहाँ है? नीचे बेस में. बेस में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतना मुझे नहीं लग रहा कि चीज सॉस की तरह है. एनीवेज लेट्स ट्राई. देखें कंसिस्टेंसी उसकी. मैश पोटैटो सॉस. मैश पोटैटो सॉस निजाम ने परफेक्ट पकड़ा.
टेक्सचर भी मैश पोटैटो जैसा टेक्सचर भी मैश पोटैटो जैसा फ्लेवर भी वही लग रहा है क्या किया रूफिया चिकन धोई नहीं थी धोई थी बहुत अच्छे से धोई थी नो फ्लेवर्स रूफिया काम हो सकता था यार आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू क्या किया है यार राइट नेक्स्ट रमशा बहुत उम्मीदें हैं तुमसे स्टार्ट करें शेफ आप अच्छा इन्होंने मिंट को भी हल्का सा वो किया है ये जो आपने ड्रॉप्स बनाए ये किस चीज के हैं चीज से सॉरी चीज से चीज को आपने फ्राई करके क्रिस्प बनाया है जो टेक्सचर के लिए तो जॉब समथिंग डिफरेंट This was also really good. आपने जो प्ले किया ना एक तो चीज के साथ और फिर गार्निश के साथ अनएक्सपेक्टेड था सीरियसली मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप में से कोई इस तरह की चीज करेगा क्योंकि बहुत ऊपर का गेम है चाहे चीज को फ्राई करके उस शार्पनेस पैदा करना और क्रिस्प करना और आपने ये सोचा कि इसके साथ सर्व हो सकता है तो एक्सेलेंट जॉब है मिंट लीव्स कोरिएंडर के साथ जिस तरह से आपने उसको हल्का सा बटर में फ्राई किया एंड देन द मेन थिंग जितने भी अभी मैंने यहाँ पे चिकन पॉप्स यूज किए खाए हैं सब में बेहतरीन क्रिस्प मुझे आपका लगा थैंक यू तो इधर आ जाओ और तीसरा बाइट लेने का मतलब पता है आपको शेफ उनको बहुत जतन लगा कट करने में अच्छा मैं नोट नहीं किया चीज भी आप देखें आपकी चिकन है आप उसको च्यू कर रहे हैं तो जाके रबर वाली फीलिंग दे रही है वो च्यू हो ही जा रही है और उसमें अंदर तक लग रहा है कि फ्लेवर्स नहीं गए हैं नीचे अंदर आके बिल्कुल फ्लेवर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फ्लैट हो जाता है आप बहुत अच्छा कर सकते थे थैंक यू लास्ट द वाइल्ड कार्ड एंट्री And the second yogurt boy, Pavlova. Good job. Something is again different. अच्छा इनके पास अगर black plate होती तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता, right? White पे नज़र नहीं आ रहा. White पे नज़र नहीं आ रहा. Off white सा feel हो रहा है, लेकिन वो break करने के लिए. Break करने के लिए, but black पे होता तो I must say कि अच्छा लगता. White भी show के next level होता. हाँ, next level. क्रमिक मुझे देखने में पता चल रहा है कि वो चीज सॉस बहुत अच्छा बनाया है आपने आउटस्टैंडिंग अब तक का जो कंसिस्टेंसी और टेस्ट वाइज आयो चलो थैंक यू ओके तो हमारे लेफ्ट पे जो है आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए जो इस तरफ हैं जो हो गए हैं वो इस तरफ है लेकिन शेफ आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल पांच हैं हमें तो छह चाहिए थे अब क्या करें तो छह में से पांच इधर है पांच इधर है डिवीजन बिल्कुल हमने छह करने हैं उसमें से पांच जो ये प्लेट थे हमारी ठीक है इनमें जो सबसे बेस्ट है मेरी सजेशन पे ऑन योर कॉल शेफ सही है मेरी सजेशन पे बाकी आप भी देंगे जी जी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो कंसिस्टेंसी ऑफ अगेन चीज सॉस और क्रमिंग और टेस्ट और सारी प्रेजेंटेशन एक इवन के प्रेजेंटेशन और द आईडिया ऑफ सर्विंग के चिकन को ऑन टॉप सॉस ऑन बैट और फिर उसके बाद गार्निश एंड ऑल सारी चीजें तो रूफिया लेकिन मुझे डाउट है इधर आओ वापस पहले रूफिया बताओ कि कितनी परसेंट मेहनत करोगी अभी तुम बीच में झूल रही हो इधर भी हो सकती हो उधर भी हो 200 बिल्कुल मिस्टेक समझ में आई थी बिल्कुल समझ आ गई क्या सीखा सिर्फ चीज सॉस का ज्यादा इशू मुझे लगा जो थोड़ा सा थिन होना चाहिए मैंने शायद फ्लावर ज्यादा डाल दिया उसमें और वो फिर चीज के साथ वो स्ट्रेची हो गई है बिल्कुल मुझे अंदाजा है और
एक शर्ट पे आप इस तरफ आ सकते हो, नेक्स्ट टाइम रोगी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। लर्निंग प्रोसेस है, सीखोगी, रोगी नहीं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। ऑलराइट, कम हियर। तो फाइनली हमें कराची से एडम्स शेफ के 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। वो ऑलराइट जी, आइए वन बाय वन और अपना एडम्स शेफ एप्रन लेके जाइए प्लीज। परीन, ओके जी, तो मिल गए हमें एक हमारे 6 फाइनलिस्ट कराची से। एडम्स शेफ आ रहे हैं आपको ढूंढने, क्या पता आप में से कोई एक बन जाए एडम्स शेफ।